साथियों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के हाई कोर्ट अम्बेडकर चौराहा पर। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरजन के समर्थन में जो है धरना चल रहा है, और हम बात करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे उपस्थित हैं, धरने पे बैठे हैं, क्या कहते हैं उनके समर्थन में। अभी लगातार जो है प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरजन का जो मामला चल रहा है, वो मामले को लेकर एससी आयोग भी गए थे, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्या जानकारी है? एससी आयोग, एससी एसटी आयोग गए थे डॉक्टर विक्रम हरजन जी, तो उन्होंने नोटिस दिया है। एससी एसटी आयोग नोटिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम भेज दिया है, और हम लोगों ने उसमें लिखवाए हैं कि 10 साल का जवाब इलाहाबाद विश्वविद्यालय दे, जिससे कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जनरल सबका पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आरोप जो प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरजन ने लगाया था वो 26 महीने पहले लगाया था कि जाति को देखकर जो है अंक दिए जाते हैं, क्या साक्ष्य हैं उनके पास? बिल्कुल साक्ष्य कुछ हम लोग एससी एसटी आयोग को दिए भी हैं, कुछ एक साथी हमारे थे वो बता रहे कि हम दो दो क्वेश्चन दिए उसके बावजूद भी इंटरव्यू में कम नंबर मिला गया, ठीक है। तो जिससे कि बहुत लड़के डरे थे उनको अंतरिम में मतलब उसको बंद करके हम लोग वहाँ पर दिया गया है। अब जवाब जब विश्वविद्यालय से हमने कहा ना कि विश्वविद्यालय 10 साल का रिकॉर्ड दे, जब रिकॉर्ड देगा तो उसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और यह बिल्कुल सत्य कहें, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं पूरे भारत में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं सभी विश्वविद्यालय में जाति को देख के नंबर दिए जाते हैं। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। हम कहें योग्यता के हिसाब से आप नंबर दीजिए। ये धरना प्रदर्शन उनके समर्थन में है, कब तक और कैसे चलेगा? यह धरना प्रदर्शन आज भूख हड़ताल था, जो हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हैं, 5 बजे तक बैठे रहेंगे, और आज यह चेतावनी दी है बैठ के, हम लोग 5 तारीख तक टाइम दिए हैं कि 5 तारीख तक विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय विक्रम हरजन को जो नोटिस दिए हैं, जो दबाव बना रहे हैं, जो उत्पीड़न कर रहे हैं, अगर यह 5 तारीख तक बंद नहीं करते हैं तो अगली रणनीति हम लोग बनाने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे कि कुलपति को इस यहाँ से बर्खास्ती हो, उनकी कुर्सी खाली हो और विक्रम हरजन को न्याय हो। जिस तरह से प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरजन के मामले को लेकर छात्र नेता जितेंद्र धनराजी समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और भी साथी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विक्रम हरजन के समर्थन में आप लोग बैठे हैं, जिस तरह से जातिवाद को लेकर मामला चल रहा है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे वहाँ घोर अन्याय हो रहा है, इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि जबकि वो सही बात उठाए हैं डॉक्टर विक्रम ने, जब तक ये नोटिस उनकी वापस नहीं होती तब तक हम लोग तो धरना प्रदर्शन और पूरी जो है हम अधिवक्ताओं की तरफ से हाई कोर्ट और जिला कचहरी डिस्ट्रिक्ट पूरे जितने बार एसोसिएशन है हम लोगों का उनके साथ मिल करके जो है ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और इनके ऊपर जो नोटिस दिए हैं हम कोर्ट ऑफ कंडम करने भी जा रहे हैं, ये हमारी बात है। हम डॉक्टर विक्रम जी के साथ हैं हम लोग जो है। इस तरह से देखा जाए तो लगातार इस देश में तबके लोगों के साथ जातिवाद किया जाता है, उधर देखिए भोजन माता के साथ भी जातिवाद किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, वो सही है 100% ब्राह्मणवाद जो जिस तरह से हावी हो रहा है, जबकि हर समाज को ले करके चलना चाहिए, जो बाबा साहब ने लिख दिया संविधान में, आज जो है उसकी देन है कि हम लोग पढ़ लिख करके आगे आए हैं, लेकिन ऐसा उनको करना भी नहीं चाहिए जो ये जो वहाँ खाना दे करके बच्चों के बताया जा रहा है, उनके परिवार वालों बताते हैं कि ना वो खाना बनाए अनुसूचित जात के खाना ना खाइए, बहुत घृणित काम हो रहा है जो है, इसके लिए घोर निंदा हम करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र यादव, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद। अगर नोटिस वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? अगर नोटिस नहीं वापस लेते हैं हम लोग जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को हम चर्चा करेंगे कि यह निकम्मी सरकार के सहयोग से, निकम्मी सरकार के वजह से ये हमारे देश प्रदेश में जो है तरह तरह का जातवाद का जो है बीज बोया जा रहा है हमारे लोगों को, चाहे जो भी महकमा हो, जो भी सरकारी कर्मचारी हो, या जो भी जो है सामाजिक उत्थान के स्थान हो, सब में जो है इनका जो है भेदभाव चल रहा है, और इनकी जैसे पतल बवरिया होती है उसी तरह से पतल बवरिया की तरह ये अनुसूचित जात पर बैकवर्ड पर अत्याचार करने में एकदम जुटे हैं, इनका जो है हमेशा बोलबाला चल रहा है, और जब तक इसको वापस नहीं लेंगे
माननीय विक्रम सिंह प्रोफेसर साहब का वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग इस कार्रवाई को बढ़ाते रहेंगे। सारे लोग उतरे हैं क्या उनके समर्थन में, छात्र या जो आरोप लगाए थे उन लोग भी समर्थन में हैं या नहीं? छात्र ही नहीं, कर्मचारी, अधिवक्ता और सभी अनुसूचित जात जनजात के लोग जो है प्रोफेसर विक्रम के साथ हैं। और मैं पूरे दावा के साथ कहता हूं कि आरोप ये नहीं है, ये सच्चाई है। विश्वविद्यालय में जातिवाद है और पूरे प्रदेश और देश में भी जातिवाद है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो किस तरह से ये लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? यह लड़ाई संवैधानिक दायरे में लड़ेंगे जो है, और इसी के तहत आज अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और आगे भी जो है संवैधानिक तरीके से लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो कब तक ये धरना चलेगा, भूख हड़ताल चलेगा? जब तक वापस लेटर वापस नहीं होता। प्रोफेसर विक्रम हरिजन को जो पत्र दिया गया है, शोकाज नोटिस दिया गया है, वो दुर्भावना से प्रेरित है ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि 26 महीने बाद उनके समझ में आया कि हमें पत्र देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर या जानबूझ के जो है एक आपता ठाट ये विचार आया गया कि हम उनको दे के पत्र दे के प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि समाज में एससी एसटी में जो लोग आगे बढ़े हैं उनको टारगेट करके जो है ये पत्र दिया गया है, ऐसा हमारा मानना है, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि लगातार जो समर्थन में हैं वो कह रहे हैं कि जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम धरने पर बैठेंगे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरपी कैथल है, मैं बीमा कर्मचारियों का मंडली महामंत्री हूँ और मैं यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ। धन्यवाद।